वैसे तो आपने कई तरह के मेलों के बारे में सुना होगा, लेकिन आपने कभी गधों के मेले के बारे में नहीं सुना होगा। नहीं तो हम आपको बताते हैं कि उज्जैन में हर साल देवउठनी 11 से गधों का मेला लगाना शुरू हो जाता है। हर साल की तरह इस साल भी उज्जैन के कार्तिक मेला ग्राउंड के पास गधों का मेला देवउठनी 11 से शुरू हो गया है, जहाँ इस समय करीब 500 से अधिक गधे, खच्चर व घोड़े उपलब्ध हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में एकमात्र उज्जैन में ही इस तरह का मेला लगता है, जो कि आकर्षण का केंद्र होता है। उज्जैन में कार्तिक माह के पहले देवउठनी 11 से गधों के मेले की शुरुआत होती है। यहां आने वाले लोगों के मुताबिक आधुनिक ज़माने में गधे के खरीददार कम हुए हैं, वहीं उनकी कीमतों में भी कोई इजाफा नहीं हुआ है। फिलहाल यहां औसत 5,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक के गधे उपलब्ध हैं। व्यापारियों के अनुसार मेले में सबसे महंगी गधी रोशनी है, जिसकी कीमत 40,000 रुपये है। रोशनी नामक इस गधी को चांदपुर गांव के अशोक प्रजापत मेले में लेकर आए हैं। उनके अनुसार रोशनी को खरीदने के लिए 15,500 रुपये तक लग चुके हैं। व्यापारियों ने बताया कि उज्जैन, पिड़ावा, आगर, सोयत, सुसनेर, नांदेड़ आदि स्थानों से पशु और व्यापारी इस मेले में आकर पशुओं की खरीदारी करते हैं। कि हमारे दादा पर उधर गधे जाते थे, उधर जाते थे, कम से कम मान के चलो कि 15 से 20 हज़ार गधे मेले के अंदर आते थे। अब ये स्थिति हो गई कि 400-500 गधे आए हैं। हाँ, इस कीमत में ये 10,000 गधा है, 15,000 का भी गधा है, 20,000 तक का भी गधा है। घोड़ा घोड़ी भी आए हैं, कानदार घोड़े भी आए हैं और गधी उन भी आई है। ये 40,000 की गधी सामने खड़ी हुई है, ये खस्सी गधी है। इसकी विशेषता ये है कि मतलब इसको क्या थोड़ी वो बोलते नहीं, खस्सी हो जाती है, उस टाइप की गधी है। चलती अच्छी, मतलब सामान अच्छा ले जाती भर के। बाकी माल भी आता है, बाकी बहुत कम आने लग गया है। उसके बाद क्या है कि व्यापारी सभी दूर के आते हैं। ये महाराष्ट्र के आते हैं, अपने उज्जैन के भी हैं और इधर आसपास के गांव के भी आते हैं। 10,000 का गधा भी है, 12 का भी है, 15 का भी है। उसके बाद घोड़े भी आते हैं, खच्चर भी आते हैं। अब वो गधे क्या है कि ईंट भाटे पर चलते हैं, छोटी मोटी गली में ईंट डालना, रेती डालना, उसमें चलते हैं। JSR टाइम्स के लिए उज्जैन से शकील खान की रिपोर्ट।